सिद्धार्थनगर जिले के राजकीय बौद्ध संग्रहालय पेपर हवा द्वारा संग्रहालय सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं संग्रहालय की शिक्षा प्रसार सेवा के अंतर्गत कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ऑनलाइन छायाचित्र प्रदर्शनी, संग्रहालय भ्रमण एवं महात्मा बुद्ध से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद स्कूल बडरपुर सिद्धार्थनगर के कुल 50 छात्र छात्राओं ने प्रतिभागिता की। समस्त प्रतिभागियों ने अभिरुचि पूर्वक महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रतियोगिता के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आरंभ भगवान बुद्ध को पुष्पदीप अर्पण कर किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में मानव सेवा संस्थान के केंद्र प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन ही हमारे देश के सैनिकों ने कारगिल ग्लेशियर पर झंडा फहराया था। इस दिन हमारे देश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त किया था। आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन हमने 26 जुलाई जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखा है। इसका विषय जो है वो, क्योंकि ये पिपरावा जो स्थान है कपिल वस्तु के रूप में हम प्राचीन काल से ही इसकी एक अलग पहचान है, सिद्धार्थ गौतम की ये एक तरह से जन्मस्थली रही है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या स्थानीय जो विद्यार्थी हैं उनको सिद्धार्थ के जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके, इसीलिए हमने इस विषय का चुनाव किया था और इसी पे आधारित हमने प्रश्न भी तैयार किए थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता में लगभग 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से हमने प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में जो विजेता प्रतिभागी थे उनका चुनाव किया और उनको पुरस्कृत भी किया। साथ ही साथ हमने जिन बच्चों ने सराहनीय प्रदर्शन किए उनको सांत्वना भी पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।